subscribe to Shemaroo Shorties and click the bell icon to never miss an update. हमसे गलती हो गया सब, हम इधर ऐसे घूमने को चलाए थे, घूमने को आए, हाँ सब, हमको पता नहीं था सब। अच्छा, कहाँ से आ रहे तू? हम ही मेदिनीपुर वेस्ट बंगाल से है सब। अच्छा साला बांग्लादेशी है तू? नहीं नहीं सब, हम ही बांग्लादेशी नहीं सब, हम इंडियन, हमें क्या विश्वास करो, हमें क्या विश्वास करो। दूसरे को उतार, उतार उसको। हाँ सब। वैसे एनकाउंटर में दोनों तरफ से गोलियां चलती हैं ना, फिर ऐसा क्यों होता है कि क्रिमिनल्स के बारे में लिखा जाता है अगले दिन न्यूज़पेपर में कि वो मारे गए या घायल हुए, कभी किसी पुलिस वाले के बारे में ऐसा नहीं लिखा जाता? आप लोग तो सिर्फ खड़े खड़े सवाल कर लेते हैं। ये देखिए, कल इसे गोली लगी है, अब चाहे तो मैं पट्टी खोल के दिखा सकता हूँ। मैडम, सवाल करना बहुत आसान होता है। सुना है आपका ट्रांसफर मुंबई हो रहा है? सही सुना आपने, हर इंसान का सपना होता है कि वो मुंबई जाए, क्योंकि मुंबई इज नॉट ओनली द कैपिटल ऑफ फाइनेंस बट इज ऑल्सो द कैपिटल ऑफ क्राइम। पता नहीं बाबू साहब रात रात भर जाग कर ही कंप्यूटर पर कहाँ करते रहते हैं। अरे भैया फोन दीजिए, वो आ? वो फोन काट देगी भैया। भैया फोन दीजिए प्लीज भैया। अरे तुम भड़क क्यों रहे हो यार, मेरी बात तो सुनो। वो भैया ने फोन उठा लिया था। दिल चाहता है। ओ तुम पहुंच गई क्या? ओ यू ऑलरेडी देयर? मैं एक मिनट में। ट्रैफिक बहुत था ना? कार नहीं थी। हाँ समझती, तबेले जाना पड़ा गाड़ी लाने के लिए। क्यों नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं। बुढ़ा साहब बहुत बड़ा बिल्डर है यहाँ। बहुत बड़ा टावर बना इन्होंने, बिग सिटी टावर। कोई कस्टमर आता ही नहीं है। तुम्हारे तबेले की वजह से। आपने हमारे तबेले के सामने अपनी बिल्डिंग बनाई है, हमने आपकी बिल्डिंग के सामने अपना तबेला नहीं बनाया। और फिर ये बात तो आपको पहले सोचनी चाहिए। ए किशन भाई तू क्या, आपने अपनी बात कही ना, हमने सुनी, अब हमें बोलने का मौका दीजिए। मकान बेचने और खरीदने का कारोबार आपका है, हम दूध वाले हैं, तबेला हमारा मंदिर है और हम अपने भगवान का सौदा नहीं करते। जयराम जी, देखिए हमदर्द जी, हम तो शुरू से ही इस जगह पे बसे थे, अब अचानक कुछ लोग आकर हमसे कहने लगे कि आप ये जगह छोड़ दीजिए। अब आप ही हमको बताइए कि ये जगह छोड़कर हम जाएं तो जाएं कहाँ, और इस पूरे मामले में हमारा क्या गलती है? एक काम कीजिए, आप पुलिस स्टेशन जाइए और एक एंसी लिखा दीजिए, बस। अब क्या भाई मिल गया, चलिए आइए, अब काहे का चिंता भाई। अरे बम्बई का सारा समस्या हमारे सर पे है, आप निश्चिंत रहिए, खुश रहिए, जाइए। लाल साहब, सिटी टावर की सेल्स रुकने से मेरे सारे काम अटक गए, पता नहीं ये तबेला कब खाली होगा। अरे वो जगह तो मैं कब की खाली करवा देता, पर वो भैया हराम ही निकला। क्या है ना साहब, वहाँ एक लोकल लीडर है, क्या नाम है उसका? हमदर्द। हाँ, उसको साथ में लेकर उसने साहब के खिलाफ एनसी कर दी। इस मैटर में मैं हाथ डालूं तो? अरे तो डालिए ना साहब, मुझको तो सिर्फ तबेला खाली चाहिए। चल खाली किया। टॉप फ्लोर मेरा, टॉप फ्लोर मेरा, टॉप। हाँ जी कहिए, क्या चाहिए आपको? तू कौन? किशन यादव, ये तबेला अपना ही है। तो तू ही नहीं चाहिए मेरे को? हाँ जी। 3 दिन के अंदर अपना बोरिया बिस्तर ले और निकल ले अपने प्रदेश को। साहब हाथ मत उठाइए, बहुत गड़बड़ हो जाएगा। देखिए हम आपसे क्या गड़बड़ करेगा। कल सुबह देख तेरा तबेला वाला क्या करता हूँ, आज इसको और कल ही तेरे को। हमदर्द साहब, आप बिला वजह बात को बढ़ावा दे रहे हैं, जो होना था सो हो गया,
अब सोचिए कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए। चलिए माना तो कि समस्या है, और अगर समस्या है तो समाधान भी। तो बताइए ना, शोज द वे आई एम विद यू। अरे जब साथ हैं तो मिल बांट के सुलझा लेंगे, लेकिन बंटवारा ईमानदारी से होना चाहिए। ग्यारह प्रतिशत का नेग लेता हूं। अरे वो इंस्पेक्टर लाल है ना, वही, वो कबीर की जान की कीमत मांगता है। तो हमको बताइए, हमको बताइए ना, कहा चाहता हूं, कितना पैसा चाहिए उसको फिरौती में? अरे पैसा चाहिए होता तो हम उसके मुंह पे मार के आते कि उस ससुरे को तो आपका तबेला चाहिए। का? हाँ हाँ आपका तबेला। किशन भैया ये मुंबई है, यहाँ दिल से नहीं दिमाग से जिया जाता है। हमको मालूम है उसने हुदा से सौदा कर लिया है। कौन बूढ़ा? बिल्डर? हाँ, यहाँ इस लंका में जिसे देखो वही बावन गज का निकलता है। पर हमने भी कह दिया है कबीर के जान पे 100 तबेले कुर्बान। देखा? जा साइन कर अभी। देख लिया ना, अब साइन करो पेपर्स। जाना है हुड़ा सब, पेपर साइन करवाइए। साहब, अरे उड़ा साहब धार पड़ गई पुलिस से। क्या सपना हो गया? चलो पकड़ लो ये वकील लोग, पेपर फाड़ दे साहब। मालती देसाई, एंटी एक्सट्रॉशन सेल, रेज योर हैंड्स अ बिट मोर, यू आर अंडर अरेस्ट। कभी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। हेलो, ऑल वेल? Yes, everything is okay. कबीर कैसा है? अब वो खतरे से बाहर है। His condition now is improving. मैंने दवाइयों के लिए कह दिया है। He should be stable in no time. ठीक है। You please go ahead. Okay. I'll make a move. Thank you. अनु, तुम कैसी हो? I'm fine, Malti. How are you? मैं भी ठीक हूँ। तुम्हारे पास लाल के सराउंडिंग्स के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन है क्या? अभी तो नहीं है, but if you want, I can get you. Okay, will you do that, please? Yeah, sure. Thank you. यादव जी, कल आपको आना है एसीपी साहब से मिलने ऑफिस में। हमको ये कानून कायदे के पचड़े में ना फंसाइए। यादव जी, कानून है तो आज भी आपका तबीला आपके पास है, कायदा है तो आज आपका भाई जिंदा है, और हर आदमी आपकी तरह सोचने लगेगा तो कैसे चलेगा? हाँ, अब कहने और सुनने को बाकी कुछ नहीं बचा। मिस्टर लाल, मैंने देखा है कि हमारे महकमे में आप जैसे बहुत से ऑफिसर आते हैं जो अपना एक लक्ष्य बनाते हैं, ईमानदारी और मेहनत से काम करते हैं, लेकिन बाद में वो अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। लेकिन सर मैंने मिस्टर लाल, आप डिपार्टमेंट से सस्पेंड किए जाते हैं। हेलो, बहुत मुश्किल है भाई, वो साला हमेशा अपने छोकरे लोग के साथ घिरा रहता है। ये मुंबई अंधेरी का लोखन वाला ब्रिज है। इस समय सुबह के 6:30 बजे हैं। यहाँ कबीर डेयरी फार्म की दूध की गाड़ी उलटने से 2 वर्करों की रहस्यमय ढंग से मृत्यु हो गई है। कोर्ट में किसी ऐसे आदमी को अपने सर पे ये इल्जाम लेना होगा कि ये सब कुछ उसने किया है। बस चल दिया, एक आदमी ने केस अपने सर पे लिया। ये है ना मेरा पुराना आदमी है संसारे। अब एक काम की बात सुन, अगर मैं अंदर गया तो बहुत लोचा होगा, अगर मैं बाहर रहा तो सबको बचा लूंगा, और तेरे को तो बचा ही लूंगा। रे साहब, मेरा घर? घर? अरे तेरे भी बच्चे अटेंशन मेरे पे छोड़ना। ए उड़ा, चल संसारी को 50 एडवांस दे, ठीक है ना? हाँ। 50 खड़िया सब लोटन लाई बैठे,
ए, अटा रे, एक तेरा बाप कर रोड़ा है। क्या कर रहा है इधर? क्या बोला था भाई तू? पैंट शर्ट पहन लिया तो भाई बन गया क्या? तेरे को मालूम है आदमी को भाई बनने के लिए पैंट शर्ट नहीं पहनना पड़ता, आदमी को भाई बनने के लिए गेम करना पड़ता है। सलीम अपना अन्ना सबको बहुत भारी पड़ गया है बाप रे। कान किस जला साले लोग ने मेरा। लेकिन ध्यान रखना, तुम दोनों पर भी उसको बहुत डाउट है। कबीर एक बात याद आई, वो पटेल है ना अपना सामने वाला गुजराती, उसने पूछता था यार कबीर भाई एक मैटर लेगा क्या बोला। कबीर भाई? अरे अन्ना अपने को भाई भाई थोड़ी बनना है यार, अगर भैया सुनेंगे ना तो मेरे को बहुत मारेंगे। का करने आए थे और का करने लगे? शुरुआत हमने नहीं की थी भैया। शुरुआत किसी ने भी किया हो लेकिन तुम भी तो वही करने लगे ना जो वो लोग करते हैं। आप ही ने मुझे सिखाया था ना भैया कि धर्म की रक्षा करने के लिए अगर अपनों का भी खून बहाना पड़े तो पीछे मत हटना। आज आपकी गीता गलत हो गई भैया, और मैं आपकी तरह डर डर के नहीं जी सकता। डरते हैं मगर किसके लिए? तुम्हारे लिए, उन वर्करों के लिए जो अपना गांव अपना परिवार अपनी बाड़ी छोड़ के यहां हमारे साथ पड़े हैं, उन पशुओं के लिए जो तुम रहो हम रहो उन वर्करों का पेट पालते हैं। इंस्पेक्टर मालती ने हमसे कहा, उसने हमको विश्वास दिलाया कि अदालत हमारी रक्षा करेगी, हमको विश्वास करना चाहिए। और फिर जो न्याय हमको अदालत के माध्यम से मिल सकता है उसे हम खुद हासिल करके अदालत का काहे अपमान करें? कबीर! 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 ये क्या हुआ? किसी ने कबीर को गोली मार दी। पवन, अन्नू, ए बेटा, कबीर, कबीर, सबसे कह दीजिए कि ये भी अपने अपने घर लौट जाए। ये हमारी लड़ाई और अपने हिस्से की लड़ाई हर आदमी को खुद लड़नी पड़ती है। काहे चले जाएं यहां से? खटमल के डर से खटिया नहीं छोड़ देते हैं किशन भैया। अरे अगर ये उसूल जो चल गया दुनिया में तो कौन कौन कहां लौट कर जाएगा? आप हमारे बड़े हैं किशन भैया, पर एक बात हमारी सुन लीजिए, यूपी बिहार ही नहीं पूरा देश हमारा है। क्या ये? अभी तक आप जो भी बात हमसे कहे हमने सुने, एक तो बात हमारा भी सुन लीजिए, ये वो शहर है जो किसी का उधार बाकी नहीं रखता। यहां जिंदगी का सबरा हिसाब किताब मरने से पहले हो जाता है।
ए दिनकर, ओए सर, अकल नहीं है, किसको भी अंदर आने देता है? चलिए आइए यहाँ से। चलो चलो मैडम, चलो बाहर जाओ। ओ मैडम बाहर निकलो, चलो चलो चलो। वैसे शक किस पे कर रहे हैं आप? वो भैया लोगों पे, वो भैया लोगों ने गेम चालू करके अच्छा नहीं किया है। शुरुआत तो आप लोगों ने की थी, वो भैया लोग तो सिर्फ इसे अंजाम दे रहे हैं। सारे फसाद का जड़ यही है, इसी को चाहिए था तबेला। हाँ भैया, यही है जिसने कहा था कि तकलीफ मुझ पर आएगी तो तुम पर आएगी। बस थोड़ा तकलीफ और। हेलो हुडा, भैया बोल रहा हूँ। कौन भैया? दूध वाला किशन यादव। क्या कहे थे यार तुम हमसे? आज इसको, कल तेरे को। ये बोल बजन छोड़, एरिया बोल एरिया। ये क्या हो रहा है मिस्टर लाल? बड़ी मुश्किल से इस शहर को क्लीन किया था, फिर वही एक दिन में दो दो नामचीन लोगों के कत्ल। लेकिन सर आप... लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मुझे ये शहर क्लीन चाहिए। अब आप देखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब मरेंगे साले। पता है ना, आज मैंने कमिश्नर साहब को समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो मेरी बात मानने को तैयार नहीं थे। मैंने उनसे बहुत कहा कि किशन यादव और उनके आदमी निर्दोष हैं, पर तेरे को बोला था ना जब भैया लोग आए थे मुझे टिप देने का, यारे शेट्टी पैसा भैया लोग को हथियार खरीदने को दे रहा है क्या? ये पब्लिक को पुलिस की बात बातों से समझ नहीं आती। हम कहे थे तुम लोगों से मत भेजो, मत भेजो पवन को और पंडित जी को हुआ कबेले में। हेलो आई। हाँ बेटा। मैं किशन बोल तो आई। तू आए इसको ठहरे बाबा, दो दिन से मैं तेरे को ढूंढ रही हूँ। काय झाला तिकड़े? आज मैं तेरे तबेले में गई थी दूध लेने। दूध वूध नहीं मिलता इधर, बंद हो गया। चल निकल बाहर यहाँ से। अरे क्या हो गया, क्या के साथ ही रहना। पंडित जी है, उतारो नीचे। पवन चल चल चल। कट मत वा। पवन। हाँ सर। संजय भैया लोग किधर गए? ढूंढ साले को, आज कोई साला बचना नहीं चाहिए। उधर जा। ध्यान रखना अपना।